नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। आप देख सकते हैं कोरोना की कहर अब देश भर में बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। उत्तराखंड में भी अब कोरोना का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़े को अगर देखें तो हर रोज करीब करीब 1000 मामले सामने आ रहे हैं और आज का दिन उत्तराखंड में कोरोना के लिहाज से काला शनिवार साबित हुआ है। आज का कोरोना बुलेटिन सामने आ चुका है। बहुत ही डराने वाले आंकड़े आज सामने आए हैं, तो यही आपको दिखाने में आज आया हूं कि उत्तराखंड में अब कोरोना किस तरह पहाड़ चढ़ रहा है। तो आज उत्तराखंड में कोरोना के 1233 नए मामले सामने आए हैं, अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। पिछले कुछ दिनों में 1000 के करीब मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। 1233 नए केस आज उत्तराखंड में दर्ज किए गए हैं। जिलेवार आंकड़े की ओर अब बढ़ते हैं। आपको बता दूं 1233 मामले आज उत्तराखंड में सामने आए हैं। इसमें से राजधानी देहरादून में 589 मामले सामने आए हैं, यानी कि 1233 में से राजधानी देहरादून में 589 मामले सिर्फ राजधानी देहरादून में ही सामने आए हैं। राजधानी देहरादून में कोरोना का जो प्रभाव है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने यहां नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है और इस आंकड़े को देखकर सरकार का यह फैसला एकदम सही लग रहा है। अब जानते हैं बाकी जिलों का क्या हाल रहा है, यहां कोरोना की अभी स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करता हूं पहाड़ी जिले अल्मोड़ा की। तो दोस्तों, अल्मोड़ा जिले में आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। पहाड़ी जिला है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत चिंता करने वाला है। आखिर 14 केस यहां पाए गए हैं, आखिर कोरोना यहां पहुंचा कैसे। अब चलते हैं बागेश्वर जिले की ओर। दोस्तों, यहां भी आज कोरोना के 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बात करें अगर चमोली जिले की, तो यहां भी आज कोरोना का विस्फोट हुआ है। इस जिले में आज कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ी जिले है, लेकिन यहां भी कोरोना का विस्फोट हो रहा है। कोरोना मैदानी जिलों में तो यहां धमाका हो ही रहा है, लेकिन पहाड़ी जिलों की ओर भी काफी तेजी से अब कोरोना बढ़ता जा रहा है। ये कोरोना की दूसरी लहर की सिर्फ शुरुआत है कि पहाड़ी जिलों की में और कोरोना कितनी तेजी से पहुंच रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो ना जाने आगे हालात कैसे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं चंपावत जिले की ओर। दोस्तों, चंपावत जिले में आज कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी देहरादून जिले का हाल मैं आपको बता चुका हूं। 1233 में से 589 मामले अकेले राजधानी देहरादून में ही सामने आए हैं। हर रोज यहां कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लेकिन आज जो यहां से आंकड़े सामने आए वो स्थिति सोचनीय है। काफी सोचने वाली बात है कि अगर ये मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या हाल होगा। चलते हैं अब हरिद्वार जिले की ओर। हरिद्वार जिले में भी आज कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। 254 नए केस आज हरिद्वार जिले में दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं राजधानी देहरादून के बाद हरिद्वार वो जिला है जहां कोरोना का विस्फोट सबसे ज्यादा हो रहा है। इस जिले में भी कोरोना का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। हरिद्वार जिले में इस वक्त कुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में ये जो आंकड़े हैं बहुत चिंताजनक हैं। चलते हैं अब नैनीताल जिले की ओर। नैनीताल जिले में आज कोरोना के 129 नए केस दर्ज किए गए हैं। बहुत चिंता करने वाली बात है कि यहां भी कोरोना के जो मामले हैं काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं पौड़ी गढ़वाल जिले की ओर। तो इस जिले में भी आज कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी जिलों के बारे में बताया, आप देख सकते हैं सभी जिलों में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। बात करें अगर पिथौरागढ़ जिले की, तो यहां आज कोरोना के 6 नए केस दर्ज किए गए हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले की ओर चलते हैं। यहां आज कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें अगर टिहरी गढ़वाल जिले की, तो यहां आज कोरोना के 58 नए केस दर्ज किए गए। अब चलते हैं उधमसिंह नगर जिले की ओर। एक बार फिर से इस जिले में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। आज यहां कोरोना के 90 नए केस दर्ज किए गए हैं। अगर हर रोज कोरोना के केस ऐसे ही बढ़ते रहे
तो जो शक्ति फिर जाने क्या हाल होगा। अभी सिर्फ राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बाकी जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं उत्तरकाशी जिले की ओर। तो यहां भी आज कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में आज कुल कोरोना के 1233 मामले सामने आए हैं। बड़ा विस्फोट हुआ है। अब कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकारों ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। बहुत सारी जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉकडाउन लागू हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर की जो शुरुआत हुई है ये बहुत डराने वाली है। पहली लहर की अगर बात की जाए तो जो जब कोरोना पीक पर रहा था तब 1000 के आसपास मामले सामने आया करते थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में ही देवभूमि उत्तराखंड में 1000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और आज तो 1233 मामले सामने आए हैं। तो अब बहुत संभल कर रहना है। एक बार आपको ओवरऑल आंकड़े बता देता हूं। उत्तराखंड में आज कोरोना के 1233 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटों में 317 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। वहीं चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा एक और है जिसमें ध्यान देने की जरूरत है। वो ये है उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या। अब हर रोज उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। इसका सीधा सीधा असर कहां पड़ेगा? एक्टिव केस पर। एक्टिव केस का आंकड़ा जो कल था 5000 के आसपास था, आज वो 6000 के आंकड़े को पार कर चुका है। अब उत्तराखंड में एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है 6241। ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि इतने मरीज अभी उत्तराखंड में है कोरोना के। इसको रोकना है, और ये कैसे रुकेगा ये सिर्फ हमारे हाथ में है। हमें अब बहुत सख्ती से रहना है। पीएम मोदी खुद भी कह चुके हैं कि अगले 2-3 हफ्ते बहुत सख्ती से रहना है। अब बहुत सावधान होकर रहना है। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके उतना पालन करना है। खुद भी और लोगों से भी बोलना है। खुद तो जागरूक रहना ही है, लोगों को भी जागरूक करना है। कोरोना का एक भी केस रहा तो यह भी बहुत हानिकारक है। और अब तो हर रोज इतने मामले आ रहे हैं। देश भर की अगर बात करें तो पिछले 3-4 दिन से हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े बहुत चिंता करने वाले हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन वाली स्थिति आ सकती है। लॉकडाउन में क्या हाल रहा था, कैसा देश भर में मिजाज रहा था, वो सब आपने देखा। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो सावधान हो जाएं। कोरोना बहुत खतरनाक वायरस है। लाखों करोड़ों लोगों की अब तक जान ले चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया देख चुकी है कोरोना का कहर। अब एक बार फिर बलवान होकर कोरोना हम सबके सामने आया है। हमको इससे लड़ना है और घरों में रहकर ही लड़ना है। छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल में लेकर आए तो आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, यही उपाय आपको कोरोना से बचाएंगे। और उत्तराखंड में अभी कोरोना के आंकड़े क्या है, क्या स्थिति, वो मैंने आपको बताया। सभी जिलों से जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं, चाहे वो मैदानी इलाका हो या चाहे पहाड़ी जिले हो, हर जगह विस्फोट हो रहा है। बहुत चिंताजनक आंकड़े आज सामने आए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपना खास ख्याल रखेंगे। जो मैंने आपको उपाय बताए आप उसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों के लिए विजिट करिए www.uttarakhandpost.com पर। यहां आपको उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरें मिलेंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।